हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मैथ सेक्शन के अंतर्गत आप अभी ज्यामिति का पार्ट देख रहे हैं और आपको याद होगा कि इसमें ज्यामिति में पार्ट 1, 2 और 3 इसमें आपने बहुभुज, रेखा तथा कोण से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या को समझा है। तो अभी इसमें पार्ट रिमेनिंग थे और इस पार्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ चतुर्भुज के सेक्शन से। तो चतुर्भुज में कई सेगमेंट हमें पढ़ने हैं और महत्वपूर्ण जो चतुर्भुज से जिससे प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनने ही होते हैं, बराबर बने भी हैं, उस सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मैंने हेडिंग किया है समचतुर्भुज, रोम्बस। ये एक ऐसा पार्ट है जिसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और इनसे प्रश्न न्यूमेरिकली तो आपके परीक्षाओं में प्रश्न बने ही हैं, इसके गुण से, प्रॉपर्टीज से बराबर प्रश्न बनते रहे हैं, है ना। प्रॉपर्टी पर कैसे प्रश्न बनेंगे, अभी जैसे जैसे मैं इसकी डिस्कस करता चलूंगा गुण की, तो बताऊंगा कि इसमें गुण से कैसे प्रश्न बने हैं या कैसे बनाए जा सकते हैं। तो पहले आप लोग थोड़ा समय दीजिएगा और समय इसलिए दीजिएगा ताकि हम इसके गुण को ढंग से ओपन करें और जब प्रश्न हल कराएंगे तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। प्रश्न इतना सामान्य लगेगा, इतने छोटे कैलकुलेशन होंगे कि आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी ट्रिक बताइए, क्योंकि मैं उस ट्रिक का डेरिवेशन करके ओपन करके व्याख्या करते हुए फिर बताऊंगा और फिर आप ये सेक्शन आप भूलेंगे नहीं। तो चतुर्भुज में पहला सेक्शन समचतुर्भुज, चलिए पहले इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं, गुण को समझते हैं। और पहला गुण हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान तथा आमने सामने की भुजा समांतर होती है। नाम से ही पता चल गया होगा सम मीन्स होता है बराबर। तो चतुर्भुज का वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और आमने सामने की भुजा पैरेलल हो, समांतर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, मतलब सभी भुजाएं समान है, चारों भुजाएं क्या है बराबर। और आमने सामने की भुजा समांतर होती है, समांतर मतलब समझते हैं ना, दोनों देखिए जैसे ए बी समांतर है किसके, यहां पर ध्यान देना, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, मतलब जितना गैप यहां से यहां होगा वही गैप यहां से यहां होगा, वही गैप यहां से यहां होगा। जैसे रेल की दो पटरियां देखते हैं तो दोनों पटरियों के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है तो समांतर होती है। तो इसी तरीके से ए बी समांतर है सी डी के तथा ए डी भी समांतर होता है, ए डी भी समांतर होता है किसके, बी सी के। तो ये समचतुर्भुज का पहला गुण है। दूसरा गुण इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है, उसे समझेंगे, लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज में क्या फर्क है। तो चलिए दोनों को कोरिलेट करते हुए इसके गुण समझें तो बहुत बेटर समझ में आएगा। पहले एक चीज ध्यान देना, जैसे ये वर्ग है तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजा समांतर होती है। और समचतुर्भुज में भी वही होता है कि चारों भुजाएं बराबर और आमने सामने की भुजा समांतर होती है। तो आखिर समचतुर्भुज और वर्ग में फर्क क्या है, थोड़ा अभी समझिएगा। जैसे मान लिया हमारे पास लकड़ी के बराबर आकार के चार छोटे छोटे टुकड़े थे और उसको मैंने जोड़कर एक वर्ग बनाया था। जैसे यहां ध्यान देना, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये लकड़ियों के चार छोटे छोटे टुकड़े हैं, मैंने इसे जोड़कर एक वर्ग बनाया था जिसका प्रत्येक अंतःकोण इस तरीके से 90 डिग्री है, ये मैंने जोड़कर वर्ग बनाया था। और उधर से हवा का एक तेज झोंका चला और इसको थोड़ा सा तिरछा कर गया इस तरीके से, तो ये हो गया समचतुर्भुज। ध्यान देना, लकड़ी के बराबर आकार के चार छोटे छोटे टुकड़े थे, मैंने इसको जोड़कर क्या बनाया था, वर्ग बनाया था। और उधर से एक हवा का तेज झोंका चला और इसको थोड़ा सा तिरछा करते हुए निकल गया। तो जब ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, जैसे ऊपर की आकृति में देख रहे हैं, तो ये किसका रूप ले लिया, समचतुर्भुज। अब सोचिए हवा चलने से क्या भुजा बदल जाएगी, नहीं, मतलब जितनी भुजा पहले थी, जैसे मान लिया ये 10 सेंटीमीटर का चारों भुजा रहा होगा तो ये भी 10 ही रहेगा,
बस बदलेगा क्या क्या इस पर विचार करना है। पहले तो वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण 90-90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जब ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, इस तरीके से हो गया, तो पहले तो इसका कोण ही बदल गया। तो इसको हम समचतुर्भुज की संज्ञा देंगे। और क्या परिवर्तन होगा थोड़ा ध्यान देना, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। विकर्ण समझ है ना, अपने लैंग्वेज में कहें तो किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़े क्षण की लंबाई को विकर्ण कहते हैं। जैसे कमरे में सबसे बड़ी क्षण कहाँ रख सकते हैं, इस कोने से तिरछा इस कोने पर और इस कोने से तिरछा इस कोने पर। तो वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों मतलब जितना विकर्ण एसी होगा उतना ही विकर्ण बीडी होगा, लेकिन सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण असमान होते हैं। दूसरा ध्यान देना, सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, असमान। सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण असमान होते हैं। चलिए पहले इसका मतलब समझिएगा। जैसे यहां पर एक विकर्ण जो एसी है और एक विकर्ण क्या है आपका बीडी है, ये दोनों विकर्ण असमान होंगे। और एक चीज बताना चाहेंगे, जैसे ये वर्ग था, मैंने लकड़ियों के चार बराबर छोटे छोटे टुकड़े लेके इससे जोड़कर वर्ग बनाया था, और इधर से हवा का एक तेज झोंका चला, इसको तिरछा कर गया इस तरीके से, तो ये समचतुर्भुज हो गया। तो आपको बताएं, जिधर से तिरछा हुआ होगा वो वाली विकर्ण बड़ी हो जाएगी। जैसे ये थोड़ा इस तरीके से तिरछा हो गया, तो ये बीडी वाली विकर्ण लंबी हो गई और एसी वाली विकर्ण क्या हो गई, छोटी हो गई। अब कितना लंबा या कितना छोटा हो जाएगा ये तो डिपेंड करता है हवा कितना तेज चला है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, यदि ये थोड़ा सा और तिरछा हो जाए तो ये वाली विकर्ण और बड़ी हो जाएगी अपेक्षाकृत और छोटी। अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना, भुजा और विकर्ण में मैं संबंध भी स्थापित करूंगा। नेक्स्ट, इसमें और इसमें फर्क क्या है, दोनों कोरिलेट करा के समझिएगा। जैसे वर्ग जब होता है तो इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साथ ही साथ वर्ग के दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तथा समकोण पर भी काटते हैं। जैसे वर्ग के दोनों विकर्ण बीडी और एसी, ये दोनों विकर्ण कहां पे कट करे हैं, ई बिंदु पर। कहां पे कट करे हैं, ई बिंदु पर। तो जिस बिंदु पर ये दोनों विकर्ण कट करेंगे, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित मतलब जितना डीई होगा उतना ही बीई होगा, बात समझिएगा, जितना डीई होगा उतना ही बीई होगा, और इधर से जितना एई होगा उतना ही एसी होगा, बात समझिए। जैसे मान लिया बीडी वाला विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो एसी वाला विकर्ण भी क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि दोनों विकर्ण वर्ग में बराबर होते हैं। अच्छा, जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो ये जब समद्विभाजित होगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, और ये एसी विकर्ण भी 10 सेंटीमीटर का है तो एई 5 इधर भी हो जाएगा, 5 यहां भी। लेकिन सम चतुर्भुज में क्या होता है ये समझिए। तो ध्यान देना, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं लिखने वाला हूं, इस गुण को समझिएगा। सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तथा समद्विभाजित भी करते हैं, समद्विभाजित मतलब होता है बाइसेक्ट, बराबर बराबर काटना। तो एक महत्वपूर्ण गुण ध्यान देना, सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, राइट एंगल बनाते हैं जहां पे काटेंगे। जैसे यहां पर ध्यान देना, वर्ग में भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, और सम चतुर्भुज में भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को कैसे काटेंगे, समकोण पर। जैसे ध्यान देना, यहां कोण ए ई और डी, ये जो कोण कटेगा 90 डिग्री पर, और इसी तरीके से कोण सी
ई और बी ये भी कितना कटेगा 90 डिग्री पर। अब आप समझ गए होंगे जब इधर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो उधर भी 90 ही बनेगा, क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा है, ये वाली सीधी रेखा है और यहाँ पे कोई बिंदु है तो एक ही तरफ के कोणों का योगफल 180 होता है, तो 90 इधर हो जाएगा, 90 उधर भी हो जाएगा और ठीक इसी तरीके से 90 डिग्री कोण यहाँ है तो 90 यहाँ भी, मतलब इसके चारों सेक्शन कितने कितने डिग्री पर कटेंगे 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री, उधर भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी, और ठीक यही गुण वर्ग में भी होता है ना। अच्छा ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे, समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण AC और BD है एक दूसरे को कहां पर काटेंगे, समकोण पर 90 डिग्री पर, तथा समद्विभाजित भी करते हैं, तथा समद्विभाजित भी करते हैं। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। अच्छा पहली बात तो दोनों विकर्ण असमान होंगे, एक बात समझिए, जैसे मान लिया AC वाला विकर्ण मान लिया 10 सेंटीमीटर है, माना AC विकर्ण कितना है 10 है और BD वाला विकर्ण मान लिया 12 है, तो जब ये समद्विभाजित करेगा, जैसे ये BD वाला विकर्ण 12 है तो ये कितने कितने में कटेगा, 6 इधर कटेगा 6 उधर, मतलब DE 6 होगा तो BE भी क्या होगा 6, मतलब DE बराबर BE। लेकिन जैसे ये 10 सेंटीमीटर का है मान लिया तो ये 5 में कटेगा और ये 5 में, फर्क क्या समझ में आया? वर्ग में चारों सेक्शन बराबर होते हैं, चारों मतलब जितना AE है A से लेकर E तक उतना ही EC होगा और उतना ही DE होगा और उतना ही BE होगा, मतलब ये चारों टुकड़े बराबर होंगे। जैसे बराबर क्यों होंगे, जैसे ये मान लिया विकर्ण 10 है ये भी 10 है तो ये 5 इधर कटेगा 5 इधर और ये भी 5 इधर ये भी 5 इधर, मतलब इसके चारों खंड DE BE AE और CE ये चारों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है थोड़ा समझिएगा, समचतुर्भुज में DE बराबर होगा किसके, ये DE किसके बराबर होगा BE के, तथा ये जो AE होगा, जैसे ये मान लिया पूरा AC विकर्ण मान लिया 10 है तो AE 5 होगा और CE भी कितना होगा 5, मतलब AE बराबर होगा CE के। तो कहने का मतलब यह है यहां पर चारों खंड ये चारों खंड यहां पर बराबर होते हैं, लेकिन यहां पर दो खंड मतलब DE बराबर होगा BE के और AE बराबर होगा AC के, तो ये दोनों में फर्क होता है। तो अब आप यहां से निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं, ध्यान देना, निष्कर्ष आप यहां पर यह निकाल सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग क्या होता है एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज जरूरी नहीं कि वर्ग ही हो, प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता, प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग तभी होगा जब इसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होगा। तो बात समझ है ना, प्रत्येक वर्ग क्या हो सकता है समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। अब देखिए इस पॉइंट से प्रश्न कैसे बनेगा जो मैंने इंपॉर्टेंट किया है, जैसे मान लिया थ्योरेटिकल प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे तो कैसे बनेंगे ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि निम्नलिखित में से, ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तथा समद्विभाजित भी करते हैं। अब पहला ऑप्शन दे दिया ए में आयत, देखिए सवाल सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। ऑप्शन मैं दे दूं पहले में आयत और बी ऑप्शन में दे दें समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, ये रेक्टेंगल है ये समलंब चतुर्भुज है, और सी में मैं लिख दूं समचतुर्भुज और डी में लिख दें समांतर चतुर्भुज, है ना। अब ऑप्शन आप क्या लगाएंगे,
निम्नलिखित में से किसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं? तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि चतुर्भुज में केवल दो आकृतियां, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज, केवल दो आकृतियां ऐसी हैं जिसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। आयत नहीं, आयत में समद्विभाजित तो करेंगे, आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां पर काटेंगे समद्विभाजित करेंगे, लेकिन समकोण पर नहीं काटते। आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं परंतु समकोण पर नहीं काटते। और जिस दिन आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटने लगेंगे उस दिन वो वर्ग हो जाएगा, वो उसकी चर्चा मैं अभी आगे करूंगा। तो आयत तो बिल्कुल नहीं, समलंब चतुर्भुज भी बिल्कुल नहीं होगा। सम चतुर्भुज ये ऑप्शन हमारा होगा, समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं होता। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर भी सकते हैं। और देखिए समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं। मतलब यह समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग भी आता है, समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आयत भी आता है, समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत हमारा सम चतुर्भुज भी आता है। तो समांतर चतुर्भुज की नेचर क्या है यह डिपेंड करता है, अतः समांतर चतुर्भुज लगाना नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं, है ना। ये डिपेंड करता है कि नेचर उसका क्या है, इसलिए हम इस ऑप्शन को भी नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन में केवल दो ही आकृतियां ऐसी हैं कि जब आपसे ये प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से किसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, तो केवल दो ऑप्शन, या तो वर्ग दिया रहेगा या तो समचतुर्भुज, है ना, यही दो आकृतियां हैं। बाकी आप ना तो आयत लगाएंगे, ना तो आप समलंब चतुर्भुज लगाएंगे, ना तो समांतर चतुर्भुज। बात समझ है? तो चलिए अब यहां से बात आप संभवतः समझ गए होंगे। तो अब यहां से एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, समचतुर्भुज के भुजा और विकर्ण में संबंध। एक इसी में आप हेडिंग बनाइएगा, और एक ऐसा पार्ट मैं बताने चला हूं जिसका जब प्रश्न आप हल करेंगे न्यूमेरिकल प्रश्न तो बहुत ज्यादा प्रयोग होगा, और आप बहुत ज्यादा क्या लगभग हर प्रश्न में प्रयोग होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण है, आप हेडिंग बनाएं समचतुर्भुज के भुजा और विकर्ण में संबंध। चलिए पहले इस संबंध को समझते हैं, अभी आप भरपूर समय दीजिए ताकि मैं इसके एक एक गुण को स्पष्ट करा दूं, और प्रश्न आप विश्वास नहीं करेंगे जब प्रश्न की बात करेंगे तो बहुत जल्द हल होगा। तो अभी ये नहीं कहना कि मैं इतने देर से बता रहा हूं अभी प्रश्न पर मैं नहीं आया हूं, प्रश्न पर निश्चित आएंगे, अभी पहले इसके गुण को समझते हैं। तो अब समचतुर्भुज के भुजा और विकर्ण में क्या संबंध है, चलिए इसकी बात करें। अच्छा, यहां पर दो विकर्ण है ए सी और एक विकर्ण है बी डी। ए सी वाले विकर्ण को हम कहते हैं डी वन, कुछ भी मान लीजिए डी वन, ये जो ए सी वाला विकर्ण है इसको हम मान लेते हैं डी वन, ए सी वाले विकर्ण को डी वन। डी वन का मतलब फर्स्ट डायगोनल, डायगोनल मींस होता है विकर्ण, डी वन मतलब फर्स्ट डायगोनल। और बी डी वाले विकर्ण को हम मान लेते हैं डी टू, है ना। थोड़ा समझिएगा, जो एसी पहला विकर्ण आप देख रहे हैं इससे हम डी वन मान लेते हैं फर्स्ट डायगोनल, और बी डी वाले विकर्ण को हम दूसरा विकर्ण मान लेते हैं जिसे हम डी टू लिखेंगे, सेकेंड डायगोनल। पूरा पढ़ पा जी? ठीक है, अब ध्यान देना, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब बात समझिएगा, जैसे ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक ये डी वन है, तो अब बताइए ए से लेकर यदि ई तक बात करें, अतः ध्यान देना यदि हम ए से लेकर ई तक बात करें ए ई, तो आप जानते हैं जितना ए ई होगा उतना ही सी ई होगा। जैसे मान लिया ये विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो 5 में ये कटेगा, 5 में ये कटेगा, तो जैसे पूरा विकर्ण डी वन है तो ए सी ए ई कितना हो जाएगा, ए ई कितना हो जाएगा डी वन का आधा। ए ई कितना होगा,
ए से लेकर ई तक कितना होगा, डी वन का आधा, मतलब पूरा डी वन है तो ए से लेकर ई तक कितना हो जाएगा, डी वन का आधा। और इसी तरीके से यहां से देखिए बी डी, ये दूसरा विकर्ण है सेकंड डायगनल, तो बी डी सेकंड डायगनल है तो डी से लेकर ई तक बात करें तो ये हो जाएगा डी टू बाई टू। जैसे मान लिया ये विकर्ण 12 सेंटीमीटर में है तो 6 इधर कटेगा और 6 उधर कटेगा, तो यदि पूरा विकर्ण हम डी टू कह दें तो ये D2 का आधा इधर हो जाएगा, D2 by 2 इधर हो जाएगा और D2 by 2 इधर हो जाएगा, तो DE कितना हो जाएगा, D2 by 2। अब देखिए संबंध कैसे निकालेंगे, बेहद सामान्य है। हमारे सामने चार त्रिभुज दिख रहे हैं, कितने, चार त्रिभुज दिख रहे हैं और चार के चारों समकोण त्रिभुज है, एक दो तीन चार, ये चारों त्रिभुज समकोण है, तो कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए। तो चलिए मैंने त्रिभुज लिया है कौन सा, ए ए ई डी, मैंने कौन सा त्रिभुज लिया, ए ई और डी, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कौन, ए ई डी। ये जो मैंने डार्क किया है, पहले मैं इसको यदि कट करके अलग कर लूं तो समचतुर्भुज में थोड़ा बात समझिएगा, 90 डिग्री किसी भी त्रिभुज में, जैसे मान लिया ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ठीक सामने 90 डिग्री के जो ठीक सामने होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी, और एक आधार हो जाएगा और एक हो जाएगा लंब। और हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहां पर इस त्रिभुज में बात करें ए ई और डी में तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, 90 डिग्री के सामने भुजा है ए डी, ये ए डी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने ए डी भुजा है तो ए डी कर्ण हुआ, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब यहां पर ए ई है, तो लंब स्क्वायर मतलब ए ई का स्क्वायर, और प्लस आधार यहां पर क्या है, DE है, तो DE का स्क्वायर। तो बात समझिएगा, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहां पर AED समकोण है, 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, AD, तो AD स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, तो लंब यहां पर क्या है, AE का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है, DE का स्क्वायर। तो चलिए आप बताइए AD का स्क्वायर, AD का मान कितना है, AD भुजा है और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो AD स्मॉल a है, तो स्मॉल a का स्क्वायर बराबर, ध्यान देना, AD स्क्वायर, तो AD क्या है, स्मॉल a, तो AD हो जाएगा स्मॉल a का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर, तो AE का मान कितना है, D1 by 2, और जब यहां से आप AE का स्क्वायर करेंगे तो AE का मान D1 by 2 है, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो D1 स्क्वायर बटे 4 यहां हो जाएगा, और प्लस DE का स्क्वायर, और DE का मान है D2 by 2, दूसरा विकर्ण का आधार, तो D2 by 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो D2 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, आप इसके हर को बराबर देख रहे हैं, तो जब इसका हर बराबर है तो आप देखिए इसका भी हर 4 है, उसका भी हर 4 है, तो आप सिंपली इसे जोड़ लीजिए, चूंकि हर बराबर है तो ये हो गया D1 स्क्वायर और प्लस कितना हो गया, D2 का स्क्वायर। अब 4 भाग हो रहा है, जब इसे बाएं पक्ष में लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 4A स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर। चलिए ध्यान देना, ये 4 भाग हो रहा है, जब 4 इधर आएगा बाएं पक्ष में गुणा होगा तो 4 का गुणा a स्क्वायर में कितना हो गया, 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये, आप माइंड में रखिएगा। चलिए तो ध्यान देना, अब इसको ये एक थ्योरम हो गया, प्रमेय हो गया, इस प्रमेय को कैसे माइंड में रखेंगे कि किसी सम चतुर्भुज में, किसी सम चतुर्भुज में भुजा के वर्ग का 4 गुना, 4a स्क्वायर का मतलब समझे ना, a मतलब भुजा है, तो a का स्क्वायर क्या हो गया, भुजा का वर्ग, तो भुजा के वर्ग का 4 गुना
दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट मिल गया, इस पूरे थ्योरी को मैं इरेज कर रहा हूं। अब एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना है, तब प्रश्न की बात करेंगे और आप देखेंगे कि प्रश्न इसका बेहद सिंपल होगा। तो अभी अभी एक कॉन्सेप्ट निकला है, भुजा और विकर्ण में संबंध। क्या निकला है? भुजा के वर्ग का चार गुना बराबर होता है किसके? दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के। इसे हम कहते हैं भुजा और विकर्ण में संबंध, भुजा व विकर्ण में संबंध। तो समचतुर्भुज के भुजा और विकर्ण में क्या संबंध होता है? भुजा के वर्ग का चार गुना दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मैंने डेरिवेशन कर दिया है, व्याख्या कर दिया है। तो चलिए एक अंतिम कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसके बाद सीधे प्रश्न पर आ जाए। तो परेशान नहीं होना कि अभी तक मैंने प्रश्न की शुरुआत नहीं किया। आप देखेंगे कि प्रश्न बेहद सामान्य लगेगा। मैं चाहता तो इस तरीके से केवल नियम लिख के सीधा प्रश्न हल करा देता, लेकिन आप उसमें ज्यामिति सीख नहीं पाते, आप ज्यामिति रटते। तो यहां पर इसे सीखने का प्रयास करिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर चार त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? जैसे ए बी सी डी क्या है? समचतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? समचतुर्भुज। और इसमें देखिए चार छोटे छोटे त्रिभुज कटे हुए हैं। और आपको बता दें, जितना त्रिभुज ये है उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये। मतलब यदि इसे हम कैंची से कट करके चारों त्रिभुज निकाल लें और निकालने के बाद एक के ऊपर एक रखें तो पूरा कवर कर लेगा। मतलब ये चारों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है, सभी अंग समान हैं। तो ये आप ऐसा करिए ना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और उतना ही इस त्रिभुज का। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर चार से गुणा कर दीजिए। तो जैसे हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप ऐसा करिए ना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। किसका? चलिए मैं इसी त्रिभुज ए ई और डी का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, किसका क्षेत्रफल? ए आर का मतलब एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ए ई डी इस त्रिभुज का और इसमें गुणा कर देते हैं किससे? चार से, क्योंकि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका, उसका उतना ही इसका। तो चलिए ध्यान देना, ये ए ई डी कैसा त्रिभुज है? समकोण। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटे दो आधार गुणा लंब। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एक बटे दो आधार, आधार यहां पर डी ई है और लंब ए ई है। तो आधार जो डी ई है वो कितना होगा? ये विकर्ण हमने डी टू माना था, ये विकर्ण हमने डी टू माना था, तो ये डी टू का आधा हो जाएगा, एक बटे दो डी टू बाई टू और गुणा लंब। अच्छा, लंब ए ई है। अब पूरा ए सी विकर्ण हमने डी वन माना था, ए सी कितना माना था? डी वन। तो ये ए ई कितना हो जाएगा? डी वन का आधा हो जाएगा। ये अभी क्षेत्रफल आया है केवल त्रिभुज ए ई डी का, इसमें चार से गुणा करें तो ये दो दुना चार से ये चार कट गया, दो का गुणा दो में चार से चार कट गया, तो कितना आया? एक बटे दो डी वन गुणा डी टू। ये डी वन गुणा, चाहे डी टू गुणा डी वन लिखे, चाहे डी वन गुणा डी टू। तो एक अंतिम पॉइंट ध्यान देना, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये कितना होता है? एक बटे दो डी वन गुणा डी टू। मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों विकर्ण का मालूम होना आवश्यक है। मतलब दोनों विकर्णों का गुणा करके आधा कर दीजिए, है ना, डी वन गुणा डी टू।
दोनों विकर्ण का गुणा करके आधा कर दीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न की। इस प्रॉपर्टी को आप देख लीजिएगा, और जो स्टूडेंट अभी देर से जुड़ रहे हैं बस यही कहेंगे जब वीडियो हमारा ये समाप्त हो जाए तो एक बार फिर से प्ले करके देखेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए उतना ही सबका होगा क्योंकि चारों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि ये त्रिभुज समकोण है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब होता है, तो 1/2 आधार इसका DE है जो कि दूसरे विकर्ण का आधा है, तो D2/2 और गुणा लंब जो AE है वो D1 का आधा है, तो D1/2 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, इसमें 4 से गुणा किया। तो बहुत कुछ है नहीं, एक बार फिर से प्ले करके आप लोग देख लेना। अब आते हैं हम प्रश्न पर और आप देखिए कितने आसान प्रश्न इसके बनते हैं। अच्छा ये तो नहीं सोच रहे, परिमाप तो मैंने बताया ही नहीं, सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। अच्छा एक चीज और, परिमाप को हम 4 नाम से जानते हैं, कौन कौन से, कभी देखिए कभी कभी परिमाप लिखा होता है, कभी परिमित लिखा होता है, कहीं परिसीमा लिखा होता है ना। तो परिमाप हो, परिमित हो, परिसीमा हो, परिधि हो, सबका मतलब एक है जो परिस्थिति रिलेटेड है। तो चलिए मैं प्रश्न की शुरुआत यहां से कर रहा हूं, ध्यान देना। पहला प्रश्न हमने लिखा कि किसी सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः तीस सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। चलिए ध्यान देना, सम चतुर्भुज यहां पर है ABCD और इस सम चतुर्भुज का परिमाप निकालना है, और परिमाप तभी आएगा जब भुजा आएगा, परिमाप तभी आएगा जब भुजा आएगा। अच्छा चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। यदि कोई एक भुजा आ जाए, जैसे मान लिया एक भुजा ये 20 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 और ये भी 20, तो परिमाप 20/80 हो गया, 20 20 40 20 60 20, मतलब भुजा आ जाए तो 4 गुना कर दीजिए। तो बस भुजा निकालना है, देखिए परिमाप हमसे पूछा गया है और परिमाप तभी आएगा जब भुजा आ जाए। तो चलिए भुजा निकालेंगे कैसे, अब प्रश्न में देखिए जानकारी क्या दिया है, सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो जो 30 सेंटीमीटर है ये D1 है, D1 मतलब फर्स्ट डायगोनल पहला विकर्ण, और जो 40 सेंटीमीटर है ये दूसरा विकर्ण है क्योंकि दोनों विकर्ण दिया है, तो D1 हो गया 30 सेंटीमीटर मतलब फर्स्ट डायगोनल, और D2 मतलब दूसरा विकर्ण हो गया ये 40 सेंटीमीटर। तो मतलब विकर्ण पता है, भुजा निकालना है, कैसे निकलेगा, भुजा और विकर्ण में संबंध क्या होता है, भुजा और विकर्ण में क्या संबंध होता है, सम चतुर्भुज में भुजा के वर्ग का 4 गुना बराबर होता है दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के। तो चलिए ध्यान देना, यह नियम हम प्रयोग में लाएंगे, कौन सा नियम, सम चतुर्भुज में भुजा के वर्ग का 4 गुना किसके बराबर होता है, दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के, ये सूत्र आप सभी को पता है। तो चलिए ध्यान देना, भुजा तो निकालना ही है इसलिए 4a² जैसा है वैसे ही लिखना, 4a² a मतलब भुजा है ये तो निकालना ही है, बराबर d1² मतलब पहले विकर्ण का वर्ग, तो पहला विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो यहां 30 का वर्ग करेंगे, और प्लस d2² और d2 मतलब है 40, दूसरा विकर्ण 40 सेंटीमीटर है तो 40 का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा, 30 का स्क्वायर 900 होगा, 30 का स्क्वायर 900, कैसे 30 × 30, तो 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 1600, 40 × 40, तो 40 का स्क्वायर 1600, तो ये हो गया 900 और प्लस 1600, और 900 और 1600 जोड़ेंगे तो ये हो गया 2500। तो यहां पर ध्यान देना 4a² बराबर कितना आया 2500, 4a² बराबर कितना आ गया 2500, 4 गुणा हो रहा है, जब इसको दाहिने तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो a² बराबर कितना हो गया 2500/4।
क्योंकि चार गुणा हो रहा है, जब उधर जाएगा तो 2500 में चार से भाग हो जाएगा, गुणा का पक्षांतर भाग होता है, तो 2500 में चार से भाग करेंगे तो 625 आएगा। चार छक्के 24, एक बचा 10, चार दुना 8, दो बचा 20, चार पंचे 20, 625। तो ए स्क्वायर बराबर 625 है, और 625 को हम 25 का स्क्वायर कहते हैं, 25 का स्क्वायर 625, मतलब ए बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। देखिए बस भुजा आ गया, ए स्क्वायर बराबर 625 है, तो ए बराबर करड़ी में 625, 625 का वर्गमूल 25 आएगा। या ऐसा कर सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 625, तो 625 को 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों साइड स्क्वायर हट जाएगा, तो ए बराबर कितना गया 25। बस परिमाप पूछा है, और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चार गुणा भुजा। आपका उत्तर आ गया है चार गुणा 25 कितना गया 100 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान था। अब ये केवल तीन स्टेप का सवाल है, ये तो मैंने सूत्र लिखा है, तो ध्यान देना दोनों विकर्ण दिया है, एक D1 दिया है और एक D2 दिया है, फर्स्ट डायगनल सेकंड डायगनल दिया है। अब भुजा निकालना है, क्योंकि जब भुजा आ जाएगा तो परिमापा ही जाएगा, और ये सूत्र होता है भुजा के वर्ग का चार गुना दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 4A² बराबर कितना हुआ D1 का स्क्वायर, D1 30 है तो 30 का स्क्वायर, और प्लस D2 का स्क्वायर, और D2 40 है तो 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, जोड़ेंगे 2500 आ जाएगा। तो चार गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो 2500 में चार से भाग करेंगे 625, तो A बराबर 25 आ गया। बस परिमाप हो गया चार गुणा 25 100। तो चलिए एक अगले सवाल पर प्रोसीड करते हैं। बस इसके गुण को एक बार आप फिर से प्ले कर लीजिएगा, जो स्टूडेंट बाद में जुड़ रहे हैं, बस यही कहेंगे कि आप एक बार पूरे गुण को, पूरे प्रॉपर्टी को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यह सवाल नहीं है कि केवल आपसे न्यूमेरिकल इस तरीके का ही सवाल बने, आपसे गुण से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसके एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से आप लोग समझिएगा। चलिए एक सवाल में लिख रहा हूँ, किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण और एक विकर्ण क्रमशः पांच सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। चलिए ध्यान देना, कोई समचतुर्भुज है और उसकी एक भुजा दिया है और एक विकर्ण दिया है। एक भुजा का मतलब यह हुआ कि देखिए समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, डी ए। एक भुजा दिया है तो इसका मतलब चारों भुजाएं वही होंगी, जितनी एक भुजा है वही चारों भुजाएं होंगी। तो एक भुजा हमें पता है, देखिए हमें क्या क्या पता है, ए बराबर पता है 5 सेंटीमीटर, एक भुजा और एक विकर्ण। एक विकर्ण मतलब देखिए दो विकर्ण होते हैं जो कि अलग अलग लंबाई के होते हैं, तो एक विकर्ण दिया है मतलब D1 ये कितना दिया है, ये 8 सेंटीमीटर, एक विकर्ण जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो मतलब भुजा दिया है और D1 दिया है, और हमसे पूछा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 D1 × D2, मतलब दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा क्षेत्रफल होता है। मतलब दोनों, देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप तभी निकाल सकते हैं जब हमें दोनों विकर्ण पता हो। यहां एक विकर्ण पता है और D2 हमें निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। और जब D2 आ जाए, जब दोनों विकर्ण आ जाएंगे तो 1/2 D1 × D2 करेंगे, कैसे निकलेगा, भुजा एक दिया है एक विकर्ण दिया है, तो भुजा और विकर्ण में संबंध का सूत्र होता है 4A², मतलब भुजा के वर्ग का चार गुना दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां से ध्यान देना, भुजा के वर्ग का चार गुना 4 में गुणा करेंगे A² से, और A का मान कितना है 5 है, तो 4 में गुणा करेंगे किससे,
ए स्क्वायर से बराबर, देखिए सूत्र होता है 4a² तो 4 लिखिए और a का मान 5 है तो 5² बराबर d1² प्लस d2² अब बताइए d1 कितना है, d1 है 8 सेंटीमीटर तो 8 का स्क्वायर करिए और प्लस d2 तो पता है नहीं इसको जैसे का वैसा। अब बताइए पहले बताइए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, अब 25 गुणा 4 कितना हो गया 100, ये समझ में आया कि नहीं, पहले 5 का स्क्वायर करिए तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 4 से गुणा करेंगे 100। अच्छा यहाँ पे बराबर में देखिए 8 का स्क्वायर 64 है, 8 का स्क्वायर 64 है और जब 64 बाएं तरफ लाएंगे तो ये 64 घट जाएगा बराबर d2² समझे ना कैसे, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और जब 64 इधर लाएंगे तो 100 में 64 घट जाएगा बचेगा दाहिने साइड d2² अच्छा 100 में 64 घटाएंगे 36 मतलब d2² बराबर कितना आ गया 36 और 36 को हम लिख सकते हैं 6² बस d2 पता हो गया d2 बराबर कितना गया 6 सेंटीमीटर तो ध्यान देना d2² बराबर 36 तो d2 बराबर कितना गया 6 बस क्षेत्रफल आ गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बगल में सूत्र मैंने लिखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणा d2 तो 1/2 d1 गुणा d2 d1 मतलब पहला विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर गुणा d2 कितना है 6 बस 2 × 8 4 का गुणा 6 में 24 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो देखिए कितना आसान था, एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए आप ये कॉन्सेप्ट बेहद महत्वपूर्ण है आप ध्यान देना, समचतुर्भुज के अधिकांशतः प्रश्न में इसका प्रयोग होता है तो ज़्यादा सूत्र भी नहीं है और ये पूरा प्रमेय पूरे सूत्र मैंने एक एक ऐसा नहीं कि मैंने केवल डायरेक्ट सूत्र लिखा है, मैंने एक एक सेक्शन को पूरा ओपन किया है ताकि आप इसके हर गुण को बेहतर समझ सके और गारंटेड कह सकते हैं कि चतुर्भुज से एक प्रश्न बनना ही है और बराबर बना भी है। अब किस सेक्शन से बन जाए, किस सेगमेंट से, चाहे वो समचतुर्भुज से बन सकता है, समलंब से बन सकता है, समांतर चतुर्भुज, आप पूरी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा और आप देखेंगे कि चतुर्भुज से एक प्रश्न आपके परीक्षा में श्योर होगा। तो चलिए एक सवाल और लिखते हैं, चलिए एक अनुपात से रिलेटेड इसी का एक सवाल लिखते हैं। हमने लिखा है कि किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों में अनुपात दो अनुपात तीन है यदि इसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दोनों विकर्ण बताइए। चलिए ध्यान देना, हमने सवाल में दिया है कि किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों में जो अनुपात है रेशियो, दोनों विकर्ण मतलब ये d1 यदि 2 होगा तो d2 कितना होगा 3। अनुपात आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अनुपात का काम होता है दो या दो से अधिक राशियों में संबंध को स्थापित करना। अनुपात ये कह रहा है कि यदि पहला वाला विकर्ण 2 होगा तो दूसरा वाला विकर्ण 3 होगा, अनुपात यही संबंध बताता है। ये बता रहा है कि यदि d1 2 होगा तो d2 कितना होगा 3, मतलब पहला विकर्ण 2 होगा तो दूसरा 3 होगा, यदि पहला विकर्ण 4 होगा तो दूसरा 6 होगा, यदि पहला विकर्ण 20 होगा तो दूसरा 30 होगा, ये संबंध है, एग्जैक्ट नहीं है। और एग्जैक्ट मानना हो तो कैसे मानेंगे, अनुपात में संख्याओं के महत्व से गुणा करने पर संख्या प्राप्त होती है, ये मैंने क्लास में भी नोट करवाया था। तो एक चीज ध्यान देना, यदि अनुपात दिया हो और एग्जैक्ट संख्या पूछा जाए तो उसके साथ यक्ष लगा दीजिए, कैसे,
जैसे पहला विकर्ण दो है तो दूसरा तीन, ये चार होगा तो ये छह, ये बीस होगा तो ये तीस होगा, तो ये दो यक्ष होगा तो ये कितना होगा, तीन यक्ष। तो इस तरीके से यक्ष के रूप में माना करिए, है ना। अनुपात दिया हो, संख्या निकालना हो तो यक्ष लगा दिया करिए। एक्स एक्चुअल में उन पर्टिकुलर का मस होता है। मस क्यों होता है ये मैंने क्लास में ओपनली चर्चा किया था और बेहतर बताया था। तो ध्यान देना, हमने माना कि दोनों विकर्ण क्रमशः कितना है, दो यक्ष और तीन यक्ष है, दो यक्ष है और कितना है, तीन यक्ष सेंटीमीटर है। मतलब ये पहला विकर्ण दो होगा तो दूसरा तीन होगा, तो हमने माना पहला विकर्ण दो यक्ष है तो दूसरा विकर्ण कितना होगा, तीन यक्ष। तो अनुपात के साथ यक्ष लगा दिया करिए, तो बस काम ओपन हुआ, क्योंकि क्षेत्रफल दिया ही है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 1200 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले बताइए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं पहले सूत्र लिख देता हूँ। क्षेत्रफल होता है एक बटे दो गुणा डी वन गुणा डी टू, एक बटे दो दोनों विकर्णों का गुणनफल, मतलब दोनों विकर्णों का गुणा करके आधा करना। तो क्षेत्रफल दिया है कितना, 1200। क्षेत्रफल कितना दिया है, 1200 बराबर एक बटे दो गुणा डी वन मतलब पहला विकर्ण, तो ये डी वन है पहला विकर्ण दो यक्ष, और गुणा डी टू और डी टू दूसरा विकर्ण है तीन यक्ष। तो क्षेत्रफल 1200 है, क्षेत्रफल बराबर होता है एक बटे दो गुणा डी वन दो यक्ष है गुणा डी टू कितना है, तीन यक्ष। ये दो से ये दो यहां से गुजर गए कि कट गया, चलिए जो भी है। अच्छा तीन यहां पर ध्यान देना, तीन गुणा हो रहा है, जब इधर आएगा तो भाग जाएगा कि भाग हो जाएगा, ध्यान देना। तीन गुणा हो रहा है, जब बाएं तरफ आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो तीन को पक्षांतर करेंगे तो भाग होगा, तो तीन चौके 1200 मतलब 412 में कट गया। तो 400 बराबर कितना हो गया, अब यक्ष का गुणा यक्ष में एक्स स्क्वायर। फिर से ध्यान देना, दो से दो कटा और तीन गुणा हो रहा है, इधर आएगा भाग होगा, 1200 में तीन से भाग करेंगे 400, तो यक्ष स्क्वायर बराबर 400, अतः यक्ष बराबर कितना आ गया, 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, तो यक्ष बराबर कितना गया, 20। ध्यान देना एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो यक्ष बराबर कितना गया, 20। हमसे यक्ष नहीं पूछा है, हमसे पूछा है तो दोनों विकर्ण बताइए, हमसे ये पूछा है। तो पहला विकर्ण दो यक्ष है, पहला विकर्ण कितना है, दो यक्ष सेंटीमीटर, चूंकि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है तो ये विकर्ण सेंटीमीटर में होगा। तो पहला विकर्ण दो यक्ष है, दो यक्ष का मतलब यक्ष का डबल, यक्ष का दो गुना, और यक्ष का मान 20 है तो 20 का दो गुना 40, और दूसरा विकर्ण है तीन यक्ष, तीन यक्ष का मतलब यक्ष का तीन गुना, और यक्ष का मान 20 है तो 20 का तीन गुना 60। इसलिए दोनों विकर्ण क्रमशः कौन कौन से होंगे, पहला विकर्ण कितना है बताइए, पहला विकर्ण है दो यक्ष, दो यक्ष मतलब दो में यक्ष से गुणा करना, और यक्ष का मान 20 है तो दो में जब 20 से गुणा करेंगे तो 40 सेंटीमीटर आएगा। और दूसरा विकर्ण कितना है, तीन यक्ष, मतलब तीन में यक्ष से गुणा करना और यक्ष का मान 20 है तो 20 का गुणा तीन में कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा यदि हमसे पूछा जाता कि भुजा बताइए, तब मैं क्या करता, यदि भुजा पूछा होता तो ध्यान देना, D1 पता हो गया, D2 पता हो गया, दोनों विकर्ण पता हो गया, भुजा पूछा है तो भुजा और विकर्ण में क्या संबंध होता है, 4A² बराबर D1² + D2², तो हमें D1 का भी मान पता है और D2 का भी मान पता है, इस सूत्र से निकालेंगे तो भुजा आ जाएगा। मतलब यदि भुजा पूछा जाए तो आप हल कर लीजिएगा इस सूत्र के माध्यम से, यह आएगा 10^13 सेंटीमीटर, यदि बाय द वे भुजा पूछा जाता है तो, है ना। अब ये कैसे आया आप खुद ही निकाल लीजिएगा। तो चलिए आप पूरा सेक्शन निश्चित तौर पर समझ लिए हैं, और जो स्टूडेंट देर से जुड़े हैं मैं सलाह दूंगा एक बार फिर से देख लीजिएगा। वैसे एक प्रश्न मैं आपके लिए दे दे रहा हूँ, उससे बाद में हल कर लेना, है ना, ताकि फीडबैक पता चले। और एक चीज़ और, पूरी क्लास कैसे लगी आप हमें कमेंट जरूर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, ताकि मैं देखे अगले जब लेक्चर से जब स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं तो वैसे भी टीचर प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं, और आपको समझ होंगे कुछ स्टूडेंट पिछले क्लास में ये कमेंट दे रहे थे कि 30 तारीख तक आपकी जो क्लास होगी, तो निश्चित तौर पर ये तो 30 तारीख तक तो क्लास चलती रहेगी, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेशन दूंगा
अब प्रैक्टिस भी कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि क्रमवार टॉपिक दर टॉपिक देना है, तो मैं उसको सेक्शन में डिवाइड करके प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे एक जब प्रैक्टिस में कराऊंगा तो पहले तो स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का कम समय में कम अभ्यास में एक बेहद आसान कॉन्सेप्ट के साथ एक प्रश्न अनिवार्य रूप से यूपीटेट सुपरटेट दोनों में पूछा जाता है, एक प्रश्न आपका वहां से फिक्स हो जाएगा, तो उस पर आपका एक अभ्यास करा देंगे सांख्यिकी को लेकर। एक प्रैक्टिस सेट आपका शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम से करा देंगे, और फिर प्रैक्टिस करा देंगे नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या, इस तरीके से हेडिंग हेडिंग लेके जो महत्वपूर्ण है जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ऐसे सभी प्रश्नों को क्रमवार में बता दूंगा। अपने कमेंट जरूर देते रहिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि लास्ट में, अभी तो परीक्षा आपका समय है, लास्ट में आपको टॉप 100, जैसे आपको याद होगा मैं पिछले जब यूपीटेट की परीक्षा संपन्न हुई थी टॉप 100 मैंने दिया था, और उसके एग्जैक्ट लगभग मैंने पूरा 100 भी नहीं किया करा सका था, 86-87 प्रश्न उसमें ही 20 प्रश्न आ गए थे। तो टॉप 100 जब मैं कराऊंगा तो उसका आप नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न वहाँ से आप देखेंगे मैक्सिमम, नंबर की बात नहीं करते, डेटा इधर उधर करके ज़्यादातर प्रश्न आपके सभी उसी टॉप 100 से आएंगे। तो ये मेरा विश्वास इसलिए कहता है क्योंकि मैं बराबर 2011 से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब में क्रमवार मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ाया है, जो मेरा एक गेस होता है, अनुमान होता है, प्रश्न वैसे ही लगभग रखता है। तो और एक इन्फॉर्मेशन ये है, आप सभी जानते ही हैं, आप पेज पर भी देख रहे होंगे, 1 तारीख को सेमिनार है और सबसे बड़ा सेमिनार जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है, 1 अक्टूबर, समय 9 बजे दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा, आपके हितों के लिए और आपकी जो डिमांड है उन सब पर एक विस्तृत परिचर्चा होगी, और सभी जो संस्था के अध्यापक है वो अपने अनुभव को शेयर करेंगे, आपके अनुभव को लेंगे, एक ऐसी परिचर्चा जिसकी आपको सख्त आवश्यकता है, और आगे आने वाले समय में आप पर क्या दिक्कतें हैं, कैसे दिक्कतों को फेस करना है, इन सब पर एक विस्तृत चर्चा होगी। तो आप सभी भूलिएगा नहीं, 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को शाम 9 बजे उस परिचर्चा में आप सभी की भागीदारी अनिवार्य है, निश्चित रूप से आप सभी आइएगा, एक सवाल मैं आपको देकर और उसके बाद क्लास में ओपन करूँगा, क्लोज करूंगा, ओपन तो हो ही चुका है, देखिए इतने उत्साह में पता ही नहीं चल रहा है ओपन करना कि क्लोज करना है ना। तो एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा, इस तरीके के प्रश्न ज्यादा आते हैं इसलिए मैं इस पर एक प्रश्न और आपके लिए दे रहा हूं, एक भुजा और एक विकर्ण क्रमशः क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए, यह आप प्रश्न खुद से हल करेंगे। तो चलिए आपसे आज कुछ अतिरिक्त बातें भी कर लिए, तो आज की क्लास बस इतना ही, नेक्स्ट में मैं आपसे फिर से मिलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।